हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपके सामने जो मैं आज चैप्टर लेके आ रहा हूँ वो है पंचायती राज। दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आप सबके सामने कि इसके पहले पॉलिटी के बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं जो कि आपको पॉलिटी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पॉलिटी की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे आपको दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके बहुत सारे वीडियो और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, रिवीजन, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ अलग अलग प्लेलिस्ट में दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको उन सारे प्लेलिस्ट को विजिट करना है। विजिट करने के साथ उस पर एक बेहतर कैचअप बनानी है, एक पकड़ बनानी है, उसको रिवीजन करना है। और जो भी मैं फ्री पीडीएफ देता हूँ टेलीग्राम में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए ताकि वहाँ से ज्योग्राफी के मैक्सिमम, करेंट अफेयर्स के सबके पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ पाएँ। ठीक है, पहले जो बोर्ड पे है उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जितने पॉइंट हैं इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम, आपको पता ही है 2021 के कोर्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं, और अभी तक ये पहला मेरा लाइव वीडियो होगा पंचायती राज एंड पॉलिटी सेक्शन के लिए। जिनका भी लॉ का एंट्रेंस है, या BLLB, BHU, BA Arts, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूँ, BPSC, UPSC, CDS, CAPF, सब मैंने कवर अप कराया है इस क्वेश्चन में, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। अब आपको क्या करना है, क्या ध्यान रखना है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पंचायती राज की समझ होनी चाहिए। पंचायती राज है क्या? पंचायती राज जो है, गांधी, विनोबा भावे और कुछ हमारे महान दार्शनिक जो थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनका एक सपना था। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो इसकी शुरुआत, आप बोर्ड पे आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो आपको इसकी शुरुआत मिलती है लॉर्ड रिपन 1882 के टाइम से। एक ऑथोराइजेशन की बात करें, लॉर्ड रिपन जो था ये 1882 में डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ये लाता है मद्रास प्रोविंस में। कहाँ लाता है? मद्रास प्रोविंस में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मद्रास प्रोविंस में डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट ये एक तरीके से लागू करने का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में। मद्रास स्टेट भी आप याद रख सकते हैं। अब हमारे भारत में, जब भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद के पहलुओं पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से बनते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो फ्रीडम फाइटर्स के मन में गांधी जी का सपना, इसको मूर्त रूप देने की योजना बनी, लेकिन इसे उस समय नहीं लाया गया। ये एक योजनाबद्ध तरीके से आया, कई कमिटीज़ बनी, कितने डिलीवरेशन हुए, कितनी सरकारें गई, फिर जाके ये लास्ट में 1993 में पास होता है। पूरे प्रोसेस को हम लोग अच्छे से देखेंगे। जितने भी पिछले चैप्टर हैं पॉलिटी के, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जरूर देखो, क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला कमिटी हम लोग इसलिए देखेंगे कि कमिटी के थ्रू ही इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कमिटी सबसे पहला जो आया था वो था बलवंत राय मेहता कमेटी। इसके पहले CDP आपको याद रखना चाहिए। भारत सरकार ने 1953 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। 1953 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। ठीक है, उसको बेहतर देखरेख करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, और उसने 1957 में अपना रिपोर्ट दिया। आप प्लीज इसे अगर अभी भी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए। क्योंकि ये एक माइलस्टोन है और ये हर लेवल पे एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। बलवंत राय मेहता ने 1957 में अपनी रिपोर्ट दी, और इन्होंने 3-tier डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब लोकतांत्रिक विमुख विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट दिया, और इसे उस समय से पंचायती राज का एक तरीके से कहा जाने लगा। ये आपको ध्यान रखना, 3-tier का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। क्वेश्चन दो ही आते हैं, कब अपॉइंट हुआ और कितने टीयर का कॉन्सेप्ट था, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं 1957 की ये बात है। उसके बाद एक और कमेटी बनती है, अशोक राय मेहता कमेटी। इन्होंने
टू टीयर का कॉन्सेप्ट दिया था। ये कमेटी कब आई थी? 1977 में अशोक राय मेहता कमेटी ने, ये सिर्फ इन्होंने टू टीयर का कॉन्सेप्ट दिया था। रीजन क्या था टू टीयर का कॉन्सेप्ट देने का? इनका था कि ब्लॉक पंचायत या मंडल पंचायत का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कमेटी आती है वो आती है जी वी के राव कमेटी, या इसे राव कमेटी के नाम से भी जानते हैं। मूल रूप से जो हम आज देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप, वो इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले 1985 में, और इसे पीसीएस के एग्जाम में डेट भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट या नोट कर लो, सबसे बेटर रहेगा कि आप अपने पास, मैं एक नोट आपको दिखाऊंगा कैसे नोट बनाना है लाइन बाय लाइन, जो कि एग्जाम में उतने ही फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी में, चूंकि आप पीटी क्रैक कर पाओगे तो फिर मैं इसका सोच पाओगे। तो 1985 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा जी वी के राव कमेटी बनाई जाती है, जो अपनी रिपोर्ट भी आगे देती है। इन्होंने भी थ्री टीयर का ही कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। और लगभग जो आज आप सिनेरियो देखते हो पंचायती राज का, वो यहां से आता है। नेक्स्ट है, अगला कमेटी है एलएम सिंघवी कमेटी। एलएम सिंघवी कमेटी ने जीवी के राव कमेटी से आगे का काम किया। इसलिए इन्होंने आगे का काम किया कि जीवी के राव ने फाउंडेशन तो दिया, लेकिन अपने देश में कोई भी चीज ग्रास रूट लेवल पे लागू करनी है, इसका नाम ही है पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन तभी लागू हो पाएगा जब हम उसको संवैधानिक दर्जा दे पाए। सबसे बड़ी बात, संवैधानिक दर्जा देने के लिए आपको सबसे पहली चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसे लाना पड़ेगा, उसके लिए प्रोविजंस, आर्टिकल्स, लॉ, रेगुलेशन, सारे कानून बनाने पड़ेंगे और पार्लियामेंट में उसे पास करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए इतनी बातें कह रहा हूँ कि ये शुरू किया गया था एलएम सिंघवी के द्वारा। इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि पिछले जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें सिर्फ एक बहुत बड़ी चीज़ की कमी है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, मतलब इसका संवैधानिक दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए, ठीक है। तो आप जो 14 अप्रैल 1992 को ये कानून लागू होता है, वो इन्हीं के प्रयासों के बाद ये शुरू होता है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन इन्होंने आर्टिकल 40 में इसकी बात कही थी, क्योंकि गांधी जी का सपना था, गांधीयन फिलॉसफी आप देखते होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसकी बात की गई थी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन इसलिए भी जरूरी था कि हमारा संविधान बना, उसमें आर्टिकल 40 में ये बात की गई थी, अनुच्छेद 40 में, कि ग्राम पंचायत बनाए जाएंगे। तो ये ऐच्छिक था, मतलब कि राज्य अपने मन मुताबिक बना सकते थे, कंपल्सरी नहीं था। इसको कंपल्सरी करने के लिए सबसे पहला काम क्या जरूरी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे एक बिल के रूप में पास किया गया। अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, चूंकि जो डीपीएसपी होता है फंडामेंटल राइट से अलग होता है, फंडामेंटल राइट लागू होते हैं, जस्टिसिएबल होते हैं, लेकिन डीपीएसपी जो है वो जस्टिसिएबल नहीं होते हैं। वो अगर लागू नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है, सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इनके प्रयासों से शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40। इसमें इन्होंने जो दो चीजें दी उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पहला जो है वो है न्याय पंचायत, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया न्याय पंचायत का, ठीक है। नेक्स्ट है थ्री स्तरीय या थ्री टीयर पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने भी कॉन्सेप्ट दिया। अब हम इसे डिटेल में जब देखेंगे तो इन थ्री टीयर्स को मैं तोड़ूंगा अच्छे से ब्रेक करके, आपको किसका हेड कौन होता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, ये मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो मोटामोटी ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, फिर हम लोग देखेंगे इसका संवैधानिक दर्जा किस तरीके से पेश हुआ, किस किस सरकार में प्रस्ताव रखे गए, और क्या क्या मेन मेन कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले एक बार इसको रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत आसान है, रिवीजन करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आदमी भूल भी जाता है उतनी तेजी से। सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी आई 1957 में, इसके पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रही थी 1953 में, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद आपको दो क्वेश्चन और मैं अभी ऐड करूंगा, इसलिए रिकॉल जरूरी है। राजस्थान के नागौर जिले में, कहाँ पे,
राजस्थान के नागौर जिले में, प्लीज नोट करिए, पेन और कॉपी लेके बैठिए, नागौर जिले में 1957 में सबसे पहला पंचायती राज व्यवस्था का, ग्राम पंचायत का एक तरीके से शुभारंभ हुआ। पहला स्टेट कौन था? राजस्थान। कौन था? नागौर जिला। दूसरा था आंध्र प्रदेश। अब देखिए बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, दूसरा कौन था, पहला कौन था, दो अलग अलग सालों में दोनों साल ये पूछे गए हैं, तो दूसरा भी आपको याद रखना है। तो आपने देखा बलवंत राय मेहता, थ्री टीयर सिस्टम इन्होंने लाया था, नागौर में पहला, दूसरा में आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट जो है अशोक राय मेहता कमेटी, इन्होंने टू टीयर का रिकमेंडेशन किया था 1977 में, इसके 20 साल बाद ही आती है, और इस समय भी इन्होंने सिर्फ रिकमेंडेशन दिया, और इसके बाद फिर आती है 1985 की कमेटी, उनका नाम है जी वी के राव कमेटी। इन्होंने प्लानिंग कमीशन के तहत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और प्रस्तुत करने के बाद जो आज हम आज मूर्त रूप देखते हैं वो लगभग इन्हीं के पैटर्न पे बेस है, ठीक है। फिर एल एम सिंघवी कमेटी आती है 1986 में। 1986 की ये जो एल एम सिंघवी कमेटी है ये मुख्यतः फोकस्ड रहती है जी वी के राव के बेस पे और कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन मतलब संवैधानिककरण के फेज पे, ठीक है। इसमें इन्होंने न्याय पंचायत से क्वेश्चन आए हुए हैं और थ्री स्टडी था ये। अब आपको क्या ध्यान रखना है, तो जो भी बच्चे नोट कर रहे हो प्लीज नोट कर लें, मैं ऊपर से इसे क्योंकि जो भी ईयर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे क्योंकि नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने देखा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहां यहां तक हमने कैसे पहुंचे। नेक्स्ट जो चीजें होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में क्या है इसके बारे में प्रोविजन, ये जानना ज्यादा जरूरी है। स्टेट लिस्ट में सबसे पहले तीन तरीके का लिस्ट होता है, आपको पता ही होगा, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। स्टेट लिस्ट में इसकी बात की गई है, ये भी बीपीएससी में और बिहार पब्लिक बीपीएसएससी में मतलब जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जिसे मैंने दो बार ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, तो इसमें ये पूछा जा चुका है पंचायती राज व्यवस्था किस लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट में होने का मतलब क्या है, इस पे रिलेटेड नियम कानून रेगुलेशन कुछ भी रिलेटेड हो किसको अधिकार प्राप्त है, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो इस पे कानून बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि इसके बारे में प्रोविजन है अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40 जो है डेडिकेटेड है पंचायती राज व्यवस्था के लिए, ठीक है। लॉर्ड हैडलॉक आपको याद रखना है, एक तरीके से गुलाम भारत में हम बात करेंगे, तो इन्होंने किया था पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं, मैं खुद इंग्लिश में पढ़ता हूँ लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात यहाँ पे की गई है। अब इसकी प्रोसेस शुरू होती है एल एम सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद कि इसे अब संविधान में लाया जाए एज अ बिल, एज अ रिजोल्यूशन। तो सबसे पहले राजीव गांधी सरकार ने चाहा, शुरू किया, बट वो पास नहीं हो पाया। उसके बाद नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के वीपी सिंह ने भी ट्राई किया लेकिन इनको बहुमत नहीं थी जिसकी वजह से ये भी पास नहीं हो पाया। अंततो गत्वा फाइनली, मैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये आइडिया मिले कि इसे पास करने में किन किन सरकारों का योगदान है। तो सबसे पहला प्रयास किया था राजीव गांधी ने, क्वेश्चन आ चुका है, और फाइनली नरसिंहा राव, पीवी नरसिंहा राव के टाइम में 24 अप्रैल 1993 से फाइनली लागू होता है पास होने के बाद, इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, पंचायती राज डे मनाते हैं। डोंट फोकस ऑन माय हैंड राइटिंग क्योंकि मैं फास्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 24 अप्रैल 1993 को ये बातें हैं। आर्टिकल कौन कौन से कवर किए जाते हैं इसके अंदर, आर्टिकल है 243 से 243 ओ तक, ठीक है। बजट सिस्टम जो कौन सा है, तो वो थ्री टीयर सिस्टम है। थ्री टीयर में पहला है ग्राम पंचायत, ठीक है, दूसरा है ब्लॉक और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत। तो तीन लेयर्स जो हैं ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अभी का ये कंस्ट्रक्शन है ग्राम पंचायत,
ठीक है, और ब्लॉक दूसरा है जिला स्तर के पंचायत। अब इसके क्या संरचना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन तब तक मैं चाहता हूं कि आप ये तीनों गवर्नमेंट की बातें इनको प्लीज नोट कर लें। आर्टिकल 243 से 243 थ्री टीयर पार्ट शेड्यूल 11 पार्ट जो एक नया जोड़ा गया, भाग जोड़ा गया 9 और शेड्यूल जो जोड़ा गया अनुसूची वो जोड़ा गया 11। तो ये बेसिक फैक्ट्स है, अगर ये फैक्ट्स आपको याद हैं तो एग्जाम में पीटी में आपके क्वेश्चन नहीं छूट सकते हैं। तो प्लीज नोट करें, तब तक मैं शेड्यूल 11 पार्ट 9 थ्री टीयर गवर्नमेंट सिस्टम है, आर्टिकल 243 से 243 वो है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चूंकि ये मिक्स हो जाता है इसलिए आपका नोट करना सही रहता है। प्लीज नोट इट डाउन। ये आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और अब जो नेक्स्ट चीजें हम देखेंगे वो ये देखने वाले हैं कि चूंकि 1993 से ये पार्लियामेंट में लागू है, उसके बाद सबको ऑब्लिगेशन हो गया, सारे स्टेट को ये लागू करना था, ठीक है, ऑल ऑफ द स्टेट हैव टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी, आपको ये लागू करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होता है, दो तरीके के प्रोविजन होते हैं, एक तो होता है कंपल्सरी होगा, दूसरा वॉलंटरी होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, संविधान में ये प्रोविजन किया गया कि कंपल्सरी क्या हो सकता है, वॉलंटरी क्या हो सकता है। कंपल्सरी प्रोविजन जो भी होगा उसमें खास करके इन सब चीज़ों की चर्चाएं की गई थी जो आपको पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत करना ही है, जैसे कि आपको थ्री टीयर गवर्नमेंट सिस्टम रखना है, ठीक है, ये कंपलसरी है। लेकिन आपको अपने ज्योग्राफी, अपने कल्चर, मान लो जैसे नागालैंड में कल्चर अलग है तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं थोड़ा बहुत उसके ग्राम पंचायत की सभा या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन ये सिर्फ वॉलंटरी में होगा, कंपलसरी सबको लागू करना है। कुछ कुछ जैसे कि हर किसी को ये राइट होगा कि वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन में स्टेट लेजिस्लेशन का जो भी पास होगा बिल, कंपलसरी में स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा जो भी पास होगा उसको यहाँ इंप्लीमेंट करना है। तो इस तरीके का एक आप नोट बनाओगे जिससे सारी चीज़ें एक तरीके से लाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा, फिर आपको वो ईजिली समझ पाएंगे। स्टेट लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाती है उसे कंपल्सरी लागू करना होगा, और वॉलंटरी में है, ऐच्छिक है, मतलब आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। सबसे पहले होता है इसमें थ्री टीयर सिस्टम में ग्राम सभा, इसमें जो भी होगा विलेज असेंबली से कह सकते हैं, जितने भी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होता है, इलेक्टोरल लिस्ट में होगा जितने भी लोगों का नाम, वो इसके मेंबर होते हैं ग्राम सभा के, ठीक है, ये क्या होते हैं, ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। इसमें कॉमन डिस्कशन, किस क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या सुधार चाहिए और किसी क्षेत्र में भी सुधार करने की जरूरत है तो वो कैसे होगा, इससे रिलेटेड सारे नियम कानून यहाँ पे होने चाहिए। अगला है ब्लॉक लेवल पे, लेकिन ब्लॉक लेवल से जाने से पहले आपको मैं यहाँ बता दूँ, एक ग्राम में होता है ग्राम न्यायालय, ये आपने सुना भी होगा और ये आपने गांव में देखा भी होगा। ग्राम न्यायालय का हेड जो होता है वो होता है सरपंच, और हर वार्ड में एक पंच होता है, उनकी मदद से ये सरपंच जो है न्याय व्यवस्था को लागू करते हैं। तो ये 10,000 तक के मामले ये अपने अंदर सुनवाई कर सकते हैं, 10,000 के बाद का अगर होगा तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पे होते हैं प्रमुख, ठीक है, क्या होते हैं प्रमुख, जिले स्तर पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होते हैं पार्षद, जिलाध्यक्ष एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो तीनों लेवल पे ये थ्री टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है।
इनका इलेक्शन कैसे होता है, दो चीजें यहाँ आपको ध्यान रखनी है, प्लीज आप इसे नोट कर लो, ग्राम न्यायालय, सरपंच, और हम एक एक करके तीनों को देखेंगे कि तीनों में इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। इनके जो सभा के मेंबर होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, सभा के जो मेंबर होते हैं उनको चुना जाता है डायरेक्ट, मेंबर या सदस्य, सदस्य चुने जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन किसी किसी लेवल पे इनके हेड को डायरेक्ट भी चुना जाता है, किसी किसी लेवल पे इनडायरेक्ट भी चुना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ग्राम सभा हो या ब्लॉक हो, इनके मेंबर जो है वो डायरेक्ट जिले में भी चुने जाते हैं, लेकिन ग्राम सभा का जो मुखिया होता है उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बट ब्लॉक लेवल का जो हेड होगा प्रमुख, उसका इनडायरेक्ट होता है, और जिला लेवल पे जो होगा उसका भी इनडायरेक्ट होता है। अब आपको बात ये समझनी है, मेंबर सारे डायरेक्टली चुने जाएंगे, लेकिन जो प्रमुख होंगे और जिला लेवल थ्री टीयर में जिला लेवल की जो होगी पंचायती राज व्यवस्था, उसके हेड जो होंगे वो इनडायरेक्टली चूज किए जाएंगे। किसके कहां से चूज किए जाएंगे, तो जो मेंबर होते हैं ब्लॉक लेवल पे इलेक्टेड होते हैं उनमें से ये चूज किया जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होगा, कार्य क्षेत्र क्या होगा, इसको समझने के लिए हर एक ग्राम पंचायत में टैक्सेशन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, किस एग्रीकल्चर फील्ड में क्या डिमांड्स होने चाहिए, ये सब जो है वो होगा यहाँ पे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखनी है थ्री टीयर सिस्टम, इसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी होगी, उस जगह रिजर्वेशन जो है वो होगा 33% कंपलसरी है, लेकिन बिहार जैसे स्टेट में ये 50% हो चुका है, ठीक है। चेयरपर्सन जो है ये आपने देख लिया, रिजर्वेशन पॉलिसी वो है। पावर एंड फंक्शन की अगर बात करेंगे तो मैंने बताया कि इनके पावर्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं पीटी में, लेकिन नॉर्मल फंक्शन ये होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है ताकि जो है एक रेगुलर वित्तीय सहयोग दिया जा सके पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को ये दिया जा सके स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा, जो कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो मेनली ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको समझनी है। इसके अलावा जो भी प्लेलिस्ट में और भी वीडियोज हैं उसे जरूर देखिएगा, और बाकी वीडियो और भी आएंगे, हर सब्जेक्ट के आएंगे, प्रैक्टिस सेट भी हैं, तो आप लगा सकते हैं पंचायती राज पे। जल्द से जल्द हम लोग प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक है सबको देखिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, जब भी पीडीएफ जो भी होंगे प्रैक्टिस सेट या चैप्टर के वो हम वहाँ प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कमेंट करके जरूर बताइए ये कैसा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, या और बेहतर आपको समझने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।